हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टाइप सोटन एंड कंप्यूटर कॉलेज अलवर में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पेज सेटअप ग्रुप पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ग्रुप। और बैकग्राउंड पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क हम दो तरह से लगा सकते हैं, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। क्लिक करेंगे, अब हमारे पास जो ये ऑप्शंस ओपन हुए हैं, यहां से यदि हम सीधा कुछ भी लगाना चाहते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी लगाना चाहते हैं, तो हम इसे सीधा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या हम अपने कोई शब्द इसमें लिखना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम कस्टम वाटरमार्क को क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है पिक्चर वाटरमार्क। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहां से हम पिक्चर चूज करेंगे। अप्लाई। अब जब हमने इसे अप्लाई किया तो हमने देखा कि ये बहुत ही धुंधला नजर आ रहा है वाटरमार्क, प्रॉपर हमें दिख नहीं रहा। इसे प्रॉपर दिखाने के लिए यहां से हम इस वॉसऑफ को हटा देंगे, इसे अप्लाई करेंगे, क्लोज। अब अगर हम बाहर आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर वाटरमार्क लग गया है। ये पिक्चर वाटरमार्क लगा है। इसी तरह से हम कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे दोबारा और टेक्स्ट वाटरमार्क लगाएंगे। टेक्स्ट वाटरमार्क को चूज करेंगे। देखिए, ये तो हम लगाएंगे यहां पर तो इंग्लिश में लग रहा है, इसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट पर जाकर जो भी फॉन्ट हम लगाना चाहें। अप्लाई। ये जो साइज है ये ऑटो होता है, ऑटो इसीलिए करके रखा जाता है इसको कि पेज की साइज के अकॉर्डिंग अपने आप ही उतना ही बड़ा वाटरमार्क आएगा जितना हमारा पेज का साइज है, उसी हिसाब से आ जाएगा। कलर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट ये ग्रे कलर होता है, अब हम चेंज कर कोई और रंग इसमें लगा सकते हैं। सेमी ट्रांसफर, अब हम इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, यदि हम इसे क्लियर देखना चाहते हैं तो इससे सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा देंगे यहाँ से। इसके बाद डायगोनल या होरिजेंटल, किस तरह से हम इसे शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, क्लोज, ये आ गया। अभी हमारे दोनों पेज पे लग गया। यदि हम प्रत्येक पेज पर अलग वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, यानी हमारे पास दो पेज है डॉक्यूमेंट में, हम चाहते हैं कि फर्स्ट पर अलग आए वाटरमार्क और सेकंड पर अलग, उसके लिए हमें ये सबसे पहले सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। पेज के लास्ट में जाएंगे और नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक डाल देंगे इसमें। जब हम इसमें सेक्शन ब्रेक डालेंगे, अब हम हेडर एरिया में जाएं। हेडर एरिया में गए, अब हमें पता चल रहा है ये सेक्शन फर्स्ट है और ये सेक्शन टू है। इसके बाद जब हम हेडर एरिया में रहेंगे, जब हमारा हेडर एरिया ओपन होगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हेडर फुटर का टूल खुलता है डिजाइनिंग। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लिंक टू प्रीवियस। जब हमने हेडर फुटर पढ़ा था तो यहां से हमने लिंक को हटाना सीखा था। यहां से इस सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन से, यानी सेकंड सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन से लिंक हम खत्म कर देंगे। लिंक खत्म हो गया। अब हमारा जो ये वाटरमार्क शो हो रहा है इसे हम सेलेक्ट करते हैं। ये जो वाटरमार्क हमने सेलेक्ट किया तो इसके सेलेक्ट होते ही हमारे पास वर्ड आर्ट का टूल ओपन होगा, फॉर्मेट। वर्ड आर्ट का जो टूल है फॉर्मेट, उसे हम ओपन करेंगे। अब हम यहां एडिट टेक्स्ट पर जाएंगे और यहां से जहां ये जो हमने लिखा हुआ है गंगा, इसे हम चेंज कर सकते हैं।
ये फॉन्ट का साइज भी हम बदल सकते हैं यहाँ से। ओके कर देंगे। इसके बाद स्पेसिंग से हम इसके स्पेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने वर्ड आर्ट में पढ़ी थी, ये दूर हो गया। और अगर हमें कोई किसी डिजाइन में डालना है इस वाटरमार्क को, तो हम इसमें डिजाइन भी लगा सकते हैं। यानी वो सारी कंडीशंस हम इसमें, सारे कमांड्स इसमें लगा सकते हैं जो हम वर्ड आर्ट में किसी वर्ड में लगाते हैं। अब हम इससे बाहर अगर जब आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ नील आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, गंगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। इस तरह से आपके पास यदि दो से ज्यादा पेज है तो आप प्रत्येक पेज पर अलग वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो प्रत्येक पेज पर सेक्शन ब्रेक डालेंगे, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, और वाटरमार्क को सेलेक्ट कर आप एडिट वाटरमार्क में, एडिट टेक्स्ट में जाकर अपने वाटरमार्क को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज कलर। ये हमने लगा लिया वाटरमार्क, हम इसे रिमूव करना और बता देती हूँ। ये रिमूव होगा, रिमूव वाटरमार्क का जो ऑप्शन आ रहा है उससे रिमूव करेंगे। रिमूव हो गया, हट गया है हमारे दोनों ही पेज से वाटरमार्क हट चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज कलर। पेज कलर से हम कोई भी पेज कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोर कलर में हम कोई नया कलर बना लेंगे, यहां से कोई भी कलर चूज करेंगे सिस्टम में जाकर। जैसे हमें इस तरह से हम कोई भी कलर चेंज कर बना सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है फिल इफेक्ट्स। जब हम फिल इफेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं, पहला ग्रेडिएंट, दूसरा टेक्सचर, तीसरा पैटर्न और चौथा है पिक्चर। ग्रेडिएंट में सबसे पहला ऑप्शन है कलर, कि हम एक कलर में लगाना चाहते हैं या दो कलर में। हम यहाँ चूज करते हैं टू कलर। अब यहां हम कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हैं इसके साथ साथ। अब ये शेडिंग स्टाइल है कि आप शेडिंग को किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। इस तरह से जो भी शेडिंग स्टाइल आपको रखनी है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। ओके करेंगे हम, ये इस तरह से इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो है टेक्सचर। यहां से हम कोई भी टेक्सचर यूज कर सकते हैं हमारे पेज में। ये अदर टेक्सचर को जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये पिक्चर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर अदर टेक्सचर से मतलब है यहाँ हम फाइल नेम यदि डालें, हमारे पास यदि कोई और फाइल है तो यहाँ फाइल नेम डालकर वो वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। इसको हम चूज करें ओके, ये हमारे पास टेक्सचर लग गया। इसके बाद ऑप्शन है इसमें पैटर्न। इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था एक टेस्ट में। यहां पर हम टेक्सचर लगा सकते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिखे दोनों ही लाइट फेड हो गए इस तरह से। और लास्ट है पिक्चर। अब जो हम लगाएंगे पेज कलर में
वो पेज कलर के स्थान पर क्या लग जाएगी, पिक्चर अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। हटाना है अगर हमें ये, तो हम क्या कर देंगे, नो कलर। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर, क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें फर्स्ट बॉर्डर, ये पैराग्राफ बॉर्डर और टेक्स्ट बॉर्डर है जो हमने पढ़ा था होम टैब में। ये है पेज बॉर्डर, यहां से हम पेज बॉर्डर पढ़ेंगे। ये जो बॉर्डर लगेगा वो लगेगा पेज के चारों तरफ। देखिए ये लाइन बॉर्डर है, सिंपली कोई भी लाइन हमने चूज की, बॉक्स बना लिया, ओके किया, ये लाइन बॉर्डर लग गया। इस पेज बॉर्डर में एक नई चीज है, वो है आर्ट। आर्ट पर क्लिक करेंगे, कोई भी आर्ट चूज करेंगे, ओके कर। अब ये होल डॉक्यूमेंट्स पर लग गया। यदि हम इसे अलग अलग पेज पर अलग अलग लगाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन ब्रेक डालेंगे। नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक डाल दिया। अब हम जैसे फर्स्ट पेज का चेंज करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पर जाएंगे, यहां से जो भी हमें लगाना है वो चूज करेंगे। होल डॉक्यूमेंट्स जो आ रहा है, यहां इस होल डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर देंगे, दिस सेक्शन। देखिए अब दोनों में चेंज हो गए, दोनों पेज पर अलग अलग बॉर्डर आ रहा है। इस तरह से यदि हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे पास दो से ज्यादा पेज है तो भी हम प्रत्येक पेज पर अलग अलग पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि हम चाहते हैं, हमने इसी सेक्शन में एक और पेज ले लिया, अब इसके साथ साथ पेज बॉर्डर लग गया, क्योंकि पेज बॉर्डर हम एक पेज पर अप्लाई करेंगे तो वो एक साथ पूरे पे भी हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि इसका इस पेज पर बॉर्डर आए और नीचे वाले पर ना आए तो हम क्या करेंगे, कर्सर को छोड़ेंगे इस पेज पर, पेज बॉर्डर में जाएंगे, चूज किया पेज बॉर्डर, यहां पर हम अप्लाई टू में ऑप्शन चूज करेंगे, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ओके। ठीक है, नीचे वाले पेज से पेज बॉर्डर हट चुका है, अब सिर्फ उस सेक्शन के फर्स्ट पेज पर ही पेज बॉर्डर अप्लाई हुआ है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है शेडिंग, और शेडिंग से पहले हम इसमें जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जो ऑप्शन है, ये है आपका जो बॉर्डर है उसकी जो मार्जिन से दूरी है, जो टेक्स्ट से उसकी दूरी है, वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। इस वक्त बराबर चारों तरफ से 24 फीट ही इसकी दूरी है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। यदि जैसे हम चाहते हैं कि लेफ्ट से हम चेंज कर दें इसको, लेफ्ट से हम इसे कर देते हैं 20, ओके करेंगे। अब ये जो टेक्स्ट की जो दूरी है वो बढ़ गई इससे, वापिस जाए ऑप्शन, और भी ज्यादा दूर हो गया है। अभी बॉर्डर किधर की तरफ जा रहा है, मार्जिन की तरफ, टेक्स्ट से ये दूर हो रहा है। नॉर्मल करेंगे इसे, वापिस ऑप्शन में जाएंगे, 24, ओके, ये नॉर्मल हो गया। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन आ रहा है शेडिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये शेडिंग काम क्या आएगा, ये शेडिंग काम आएगा, अभी हमने पेज कलर पढ़ा था, कहीं हमने बैकग्राउंड कलर भी पढ़ा था, यदि आपको ध्यान हो तो होम टैब में हमने बैकग्राउंड कलर पढ़ा था। यहां पर ये जो शेडिंग है, ये पैराग्राफ के पीछे कलर या कोई भी शेड डालने के काम आती है, कोई भी कलर हम चूज करें इस तरह से। यहां से हम कोई भी स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम 20% अप्लाई करते हैं। ये जो कलर है, इसमें दो कलर होंगे, एक बैकग्राउंड कलर होगा और एक फोरग्राउंड कलर होगा।
अब ये जो पिंक कलर है ये बैकग्राउंड कलर बन गया, अब इसमें हम फोरग्राउंड कलर डाल देते हैं। ब्लैक कलर डालते हैं ताकि हमें शो हो अच्छे से। ओके करेंगे। अभी पैराग्राफ के पीछे शेडिंग लग गई। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बचे हुए जो ग्रुप हैं, पैराग्राफ और अरेंजमेंट।